हल्द्वानी के भनबूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। पीएचक्यू प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पूरे मामले में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें अब तक जो है बनपुलपुरा हल्द्वानी उपद्रवी दंगे में अब तक 3 FIR में जो है 78 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, और जो है इसमें 2 जो मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड जो है जो अब्दुल मलिक है और उसका जो है मोहित मलिक, दोनों अभी फरार है। और जो है इसमें अभी तक जो है कुर्की की कार्रवाई भी 82-83 की इसमें चल रही है, और दोनों पे जल्द ही जो है इनाम की कार्रवाई जो है जिला पुलिस इसमें करेगी। और पुलिस जो है इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी फेयरली और ट्रांसपेरेंटली पुलिस इसमें कर रही है, पूरी फॉरेंसिक एविडेंस ले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स और सभी तथ्य जो है पब्लिक से भी आह्वान किया गया है कि किसी के पास अगर कोई इस तरीके की कोई एविडेंस हो तो वो भी पुलिस के पास दे, तो सभी चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में जो है ये देखा जा रहा है और पूरी तरह जो है फेयरली ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है।